हाई स्टूडेंट्स, योर फिजिक्स गर्ल मैम दिस साइड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अड्डा स्कूल प्लेटफॉर्म. आज मैं तुम्हारे साथ बात करने आई हूँ एक बहुत ही रियलिटी चेक टॉपिक पे, दैट वाई टू स्टार्ट क्लास 11th अर्ली. वॉट इज़ द रीज़न कि हमको क्लास 11th एकदम जल्दी से स्टार्ट कर देनी चाहिए? हमको तो अभी थोड़ा सा आराम फरमाना चाहिए. भाई मैम, हम क्यों अभी क्लास 11th स्टार्ट कर दें? आप तो ऐसे ही बोलने आ गए हो कि क्लास 11th स्टार्ट कर दो, क्लास 11th स्टार्ट कर दो. मैम अभी तो गर्मी की छुट्टियाँ चल रही होंगी, हम अभी क्यों पढ़ें? अभी तो आराम से पढ़ लेंगे मैम. दसवीं में भी हम लास्ट में पास हो गए थे पढ़कर, ग्यारहवीं में भी हो जाएंगे, अभी इसको पढ़ने की जरूरत क्या है? तो बेटा इन सब सवालों के जवाब जो आप लोग समझ रहे हो ना कि आपने दसवीं में करा वैसा ही आपका ग्यारहवीं में चल जाएगा, तो इन सब सवालों के जवाब देने में आ गई हूँ फिजिक्स कॉर मैम, आ गई है आपके सामने. और मैं साफ साफ तुमसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपने क्लास 11th की तैयारी शुरू कर दी है? सच बताइएगा, क्या आपने क्लास 11th की तैयारी शुरू कर दी है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर ये होगा कि नहीं, हमने स्टार्ट नहीं की है. तो बेटा मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक क्लास 11th की तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो आप एक बहुत ही गलत रास्ते पर चल रहे हैं, जिसके आगे जाकर खाई आने वाली है और आप गिरने वाले हैं. साफ साफ बोल रही हूँ. क्यों साफ साफ बोल रही हूँ? बिकॉज ये गलती सब करते हैं, है ना, ये गलती सब करते हैं. और अगर आप भी इनमें से एक हैं, आप भी इनमें से एक हैं, तो आपका फ्यूचर भी बर्बाद होने वाला है. क्यों मैम ऐसा क्यों कि भाई 11 तो सब बर्बाद करते हैं मैम, उसके बाद ये फेलियर्स की स्टोरी बनाते हैं मैम, उसके बाद उनकी मोटिवेशनल स्टोरीज आती हैं और मैम वो पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, तो मैम हम भी ऐसे कामयाब हो जाएंगे. तो बेटा ऐसे कामयाब हो तो जाओगे, बट पेरेंट्स की नज़रों में सोचो कितना गिर जाओगे. जिन पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए दिन रात एक कर कर पैसा कमा कर तुम्हारे ऊपर पैसा लगाया, तुमको एडमिशन दिलवाई, और तुम वहाँ पर फिर से जाके क्या कर रहे हो? एकदम मौजे मार रहे हो, मस्तियाँ कर रहे हो, बंक मार रहे हो, क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो, लेक्चर्स अटेंड नहीं कर रहे हो, डीपीपी सॉल्व नहीं कर रहे हो, असाइनमेंट्स नहीं लगा रहे हो, रेगुलर क्लासेस में नहीं जा रहे हो, तो बेटा आप कैसे उम्मीद रख सकते हो कि आपका फ्यूचर सिक्योर है? बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है अगर आपकी हरकतें ऐसी हैं. ठीक है बेटा, यहाँ आपके सामने बहुत सारे लोग मैंने यहाँ पर खड़े किए हैं. आप इनमें से एक में से अपने आप को शायद देख रहे होंगे अगर आप क्लास 11 की तैयारी शुरू कर चुके हो. बेटा क्लास 11 की तैयारी शुरू करने का मतलब ये नहीं है कि एडमिशन ले लिया तो क्लास 11 की तैयारी शुरू हो गई. मेंटली आर यू रेडी? क्या आपने एक्सप्लोर कर लिया है कि अगर आपने नॉन मेडिकल स्ट्रीम लिया है, मेडिकल स्ट्रीम लिया है, कॉमर्स स्ट्रीम लिया है, ह्यूमैनिटीज़ लिया है, तो आगे उसमें स्कोप क्या है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप क्या क्या चीज़ें ऑप्ट कर सकते हो, आप किस किस स्ट्रीम में किस किस तरह का करियर बना सकते हो, व्हाट आर द करियर ऑप्शंस, व्हाट इज़ योर गोल? बेटा यहाँ पर आपके सामने नर्स हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो बेटा बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग यहाँ पर हैं. बट अगर आप इनमें से अपने आप को इनमें से ढूंढ नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे दिमाग में अभी तक क्लैरिटी ही नहीं है इस चीज़ को लेकर कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो. सो उस क्लैरिटी के लिए व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट यू हैव टू डू एक्चुअली? सी व्हाट यू हैव टू डू एक्चुअली. बेटा अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी इन टू दिस रेस. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने सिर्फ नॉन मेडिकल स्ट्रीम ली है या मेडिकल स्ट्रीम ली है और हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप एक बात का ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत सारे बच्चे इस रेस में हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ आपको कंपटीशन होने वाला है और बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं. आपको ऐसा लग रहा है कि आपका आजू बाजू वाला फ़ोन करके बोल रहा है, यार मैंने भी अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो तू भी अभी पढ़ना मत स्टार्ट कर, हम अपन एक महीने के बाद देखेंगे, अभी तो हम मस्ती मारते हैं. तो बेटा वो आजू बाजू वाला ही सिर्फ आपके साथ कम्पीट नहीं कर रहा, ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जो ऑलरेडी 10th में ही 11th की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं. तो आप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो? आप कहीं पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो इनमें अगर आपने तैयारी नहीं स्टार्ट करी. बेटा अगर आपका ख्वाब एक मेडिकल कॉलेज, अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा. ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा. बेटा अगर मैं बात करूँ नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत मिल जाएंगे जिसमें आपको एडमिशन मिल जाएगी, बट उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा. माँ बाप का पैसा है तो इसका मतलब क्या, उसकी कदर नहीं करोगे? बेटा अगर आप ढंग से पढ़ लोगे, अभी से स्टार्ट कर दोगे तैयारी जेई की, तो माँ बाप का पैसा भी बचेगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी होगी, प्लेसमेंट भी होगी, नौकरी भी मिलेगी, छोकरी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा. बट अगर अभी ही क्लास 11th को त्यागते चलोगे ना तो कुछ भी नहीं पा पाओगे इन जिंदगी में, इस जिंदगी में. बेटा अब मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ एक रियल लाइफ स्टोरी. रियल लाइफ स्टोरी मैम, क्या रियल लाइफ स्टोरी, आप क्या बताओगे? तो मैं आपके सामने एक रियल लाइफ स्टोरी पेश करना चाहूँगी. यहाँ पे एक मेरा स्टूडेंट था जो कि 10वीं क्लास तक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट चला है, जिसमें अगर मैं ऐसा बोलूँ कि उसने भाई कोई
फर्स्ट या सेकंड नंबर पे आ जाता था, नहीं थर्ड फोर्थ नंबर पे आता था, बट हाँ इंटेलिजेंट था, चीज़ों को समझता था। उसको ऐसा लगता था कि यार पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लास्ट में एकदम लास्ट के आखिरले दिनों में जब प्रेपरेशन हॉलीडेज होती हैं उस टाइम पर बुक खोलो, एनसीईआरटी को पढ़ो, झट से लगा लो और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। दसवीं तक ये पैटर्न चल भी जाता है, दसवीं तक ये पैटर्न चल भी जाता है। तो बेटा उसको क्या लगा कि ऐसा करके हो गया तो दसवीं में उसके 80% से ऊपर आ गए, उसके 80% से ऊपर आ गए तो उसको और कॉन्फिडेंस हो गया कि चलो अब मैं मेडिकल या नॉन मेडिकल ले लेता हूँ, क्योंकि मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए कई कई स्कूल्स में ये परसेंटेज रिक्वायर्ड होते हैं कि 80% होना चाहिए तभी आप मेडिकल या नॉन मेडिकल ले सकते हो। थोड़ा उसने ले लिया, नॉन मेडिकल चूज कर लिया। अब पहले दिन जब गया स्कूल में तो टीचर ने पूछा भाई अपना अपना सब इंट्रोडक्शन दो, अपना अपना खड़े होकर इंट्रोडक्शन दो और साथ ही बताओ कि आप क्या बनना चाहते हो, आपने नॉन मेडिकल चूज़ क्यों किया है। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला भाई नॉन मेडिकल इसलिए चूज़ किया बिकॉज मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही रिप्लाई होता है कि जब नॉन मेडिकल लिया तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता क्या है, क्या करता है, कौन सी कंपनियों में लग सकते हो, क्या स्कोप है, कितनी तनख्वाह होगी, कब इंक्रीमेंट लगते हैं, कब क्या पैकेज चलता है, कुछ पता है नहीं। बस नाम सुन लिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। बट वो ट्रू था, उसने बोला मैम को, उसकी बारी आई, उसने अपना नाम बताया, उसने बोला मैम मुझको नहीं पता ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है, बट हाँ मेरे दसवीं तक अच्छे नंबर आ रहे थे तो मैंने साइंस स्ट्रीम चूज़ कर ली। उसकी जो टीचर थी ना मंद मंदी मुस्कुराई, ऐसा हंसी कि अच्छा कोई बात नहीं बेटू, अभी बाद में तेरे को 2 महीने बाद पता लगेगा। तो उसने क्या किया ना, उसने उसको उस टाइम तो बिठा दिया, पर बेटा जब उसने बार 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 वही गलती दोहराई जो वो दसवीं में दोहरा रहा था, बट दसवीं में इतना सिलेबस ना होने के कारण उसकी वो गलती वहाँ पर गलती जैसी साबित नहीं हो रही थी, बेटा उसने 2 से 3 महीने वेस्ट कर दिए। और जब फर्स्ट टर्म की बारी आई और उसमें वो क्या हुआ, खल्लास हो गया, सब सब्जेक्ट्स में उड़ गया। अब उसने देखा भाई मैं तो एवरेज स्टूडेंट था बट मैंने तो पढ़ाई करी नहीं। अब जब वो लास्ट दिन किताब खोलकर बैठा था ना अपनी एनसीईआरटी माताजी को, बेटा एनसीईआरटी माताजी ने उसको बोल दिया था बेटा मैं अब तुमसे नाता तोड़ चुकी हूँ क्योंकि तुमने मेरे को 3 महीने में खोल कर ही नहीं देखा। जब उसको लगा था कि 10th क्लास की एनसीईआरटी लास्ट में पढ़ने से हो जाएगी तो क्लास 11th की भी एनसीईआरटी लास्ट में पढ़ने से हो जाएगी, उसने किसी टीचर के लेक्चर्स को फॉलो ही नहीं किया था। पर बेटा मैं आपको बता दूं कि आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि आप भी ऐसा कर सकते हैं सेल्फ स्टडी करके हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, क्लासेस में जाना पड़ता है। बिकॉज एनसीईआरटी एक बुक ऐसी है बेटा जिसमें थोड़ी सी भाषा में ही कितना कुछ दे रखा है, सच में बहुत कुछ दे रखा है, और उसको समझने के लिए यू नीड अ टीचर, यू नीड अ मेंटोर। तो बेटा 3 महीने बर्बाद कर दिए उसने, बट 3 महीने के बाद जब उसकी आंख खुली, उसको पता चला कि ऐसे तो मैं अपने माँ बाप का सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो उसने मेहनत करी, उसने बहुत मेहनत करी, उसको दिन रात मेहनत करनी पड़ी, उसको सब कुछ त्यागना पड़ा, फिर जाकर उसके कहीं नंबर आए। पर बेटा मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी लाइफ में भी ऐसी स्टेज आए जब तुमको सब कुछ त्यागना पड़े, नहीं बेटा, क्योंकि वो लाइफ का वो वाला टाइम बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब सिर्फ और सिर्फ पढ़ना पड़ता है और किसी चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे सकते हम, है ना। अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी सिर्फ पढ़ते 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 रहो, पढ़ाकू बनते रहो, नहीं यार, सोशल भी होना चाहिए बंदे को, फ्रेंड्स के साथ भी जाओ घूमो फिरो, बट पढ़ने के टाइम पढ़ाई करो। अगर पढ़ने के टाइम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, लेट स्टार्ट कर रहे हो कोर्सेज को, फॉर ग्रांटेड लेकर जा रहे हो, तो बेटा ये चीज़ बहुत बड़ी गलत है, ये गुनाह है, ठीक है। बिकॉज हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ क्लास 11 तुमको अब भी रियलाइज नहीं होगा, बट तुम जैसे जैसे बड़ी क्लासेज में जाओगे, जैसे जैसे अपने करियर में आगे जाओगे बेटा, तब तुमको रियलाइज़ होगा क्लास 11 की क्या इंपॉर्टेंस है। हाँ मैं ये बोलती हूँ कि क्लास 11 का जो सर्टिफिकेट है कहीं नहीं मांगते हैं, किसी जॉब में जाते हो अप्लाई करने के लिए कहीं नहीं मांगेंगे आपको कि क्लास 11th में बताओ कि पास हुए थे या नहीं हुए थे, बट बेटा ये फाउंडेशन क्लास है, अगर यहाँ पर आपकी कुछ कमियाँ रह रही हैं तो ये आपको ताउम्र परेशान करेंगी अगर आप सच में करियर ओरिएंटेड हो। बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में 40-50% का जो प्रपोर्शन रहता है वो क्लास 11th में से रहता है बेटा। पर अगर आपने क्लास 11th बर्बाद कर दी है, आप क्लास 12th में मुँह उठाकर आ दिए हो, आप ये सोच रहे हो कि क्लास 11th का भी क्लास 12th में ही पढ़ लेंगे, तो मैं तुमको बता दूं तुमको सब कुछ त्यागना पड़ेगा उस टाइम पर। अगर तुम क्लास 11th को बर्बाद करके आए हो और क्लास 12th में तुम क्लास 11th का भी सिलेबस सोच रहे हो कि तुम्हारा हो जाएगा, बेटा ये अगर आपका एम हाई है ना, जेई क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है,
तो ये गलती मत करना, इस दौड़ में मत लग जाना जिसमें बाकी सब दोस्त शायद आपको खींचे लगने के लिए कि आ जा भाई दो गेम खेल लेते हैं, दो गेम लगा लेते हैं, कोई मूवी देखने चलते हैं, थोड़ा बंक मार लेते हैं। बेटा उस दौड़ में मत जाना, आई रिक्वेस्ट यू माई पीके आर्मी, उस दौड़ में मत जाना। आपके पेरेंट्स को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, आप डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। बट ये ड्रीम्स को सिर्फ सोचने से पूरा नहीं होता, ये ड्रीम्स को सिर्फ सोच सोच के पूरी नहीं हो जाती ड्रीम्स, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए उठना पड़ता है, उसके लिए गोल सिलेक्ट करने पड़ते हैं, अपने गोल्स को मैनेज करना पड़ता है, टाइम को मैनेज करना पड़ता है, अपने पर डे गोल्स को पूरा करना पड़ता है। अगर नहीं पूरे हो रहे तो सोना नहीं है, है ना, सोना नहीं है बेटा। गोल्स ओरिएंटेड होने चाहिए तुमको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि तुम्हारा फ्यूचर में क्या होने वाला है, व्हाट इज़ योर करियर प्रस्पेक्टिव। बिकॉज अगर तुम सोच के देखो कि हम कोई ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जिसका डेस्टिनेशन ही हमको नहीं पता, तो बेटा रास्ते में खाई आ जाएगी तो उसके बारे में भी हमको नहीं पता चलेगा। तो अगर तुम कुछ ऐसी दौड़ में लगे हुए हो कि तुमको नहीं पता कि तुम्हारा फ्यूचर क्या है, तुम कहाँ जाकर गिरने वाले हो, क्यों? बिकॉज गिरोगे, अगर नहीं पता तो गिरोगे, सच में गिरोगे। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए व्हाट इज योर एम, उसके ऊपर फोकस करके उसके लिए दिन रात मेहनत करो, बस और कुछ नहीं, बाकी सब चीज़ें लाइफ में मिल जाएंगी। अभी के लिए व्हाट शुड बी योर एम, अभी के लिए योर एम शुड बी क्लास 11th के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना, बिल्ड करना, बाकियों की गलतियों को दोहराना नहीं, ठीक है, बाकियों की गलतियों को दोहराना नहीं। बिकॉज फाइनली इन लाइफ व्हाट वी वांट मनी, वी वांट पीस, वी वांट आवर पेरेंट्स टू बी हैप्पी, वी वांट रिस्पेक्ट। बेटा रिस्पेक्ट ऐसे नहीं मिलती है, रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है। पेरेंट्स को तुम ऐसे ही खुश नहीं कर सकते हो, बताओ पेरेंट्स खुश होंगे कि उनको पता चलेगा कि उन्होंने पैसे देकर तुम्हारी एडमिशन कराई है और तुम वहां पे बंक मारते फिर रहे हो, तुम वहां पे गेड़ी गेड़ी कर रहे हो कि चलो गेड़ी मार कर आते हैं। बताओ ऐसा नहीं होता है, पैसा ऐसे ही जिंदगी में नहीं आ जाता है, ठीक है। सुकून जरूरी है, पैसे के साथ साथ सुकून भी जरूरी है। और जब बंदा शुरू से मेहनत करता है बेटा, जो बंदा स्ट्रगल करता है वो कामयाब जरूर होता है, जो बंदा स्ट्रगल नहीं करता ना, जो शॉर्टकट अपनाता है वो कभी भी ज्यादा देर तक कामयाब रह नहीं सकता। ये बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो बंदा रियल रियल हार्डवर्क करके आगे बढ़ता है उसका कंपटीशन कुछ भी नहीं है। हाँ अभी हार्डवर्क शायद नहीं पे कर रहा, बट फ्यूचर में ज़रूर पे करेगा। कड़वा सच ये है, देख बेटा बेइज्जती और सर्दी जितनी फील करोगे उतनी लगेगी। तो मैम अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि मैम हमारी बेइज्जती करी जा रही है, कि मैम बोलती जा रही है क्लास 11th में नहीं कर पाऊंगे तो कुछ नहीं कर पाऊंगे, तो बेटा फील कर लो बेइज्जती। आज मैम फील करवा रही है ना, बेइज्जती फील कर लो, कोई बात नहीं। बट बाद में मैम को ही तुम आकर बोलोगे कि हाँ मैम आपने अच्छा हमको मोटिवेट किया, हमको अच्छा बताया, हमको अच्छा रियलिटी चेक करवाया कि अभी भी अगर हम क्लास 11th को स्टार्ट नहीं किए हैं तो लाइफ की कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज बेटा जी खूबसूरत बीवी पाने के लिए शक्ल मायने नहीं रखती, सरकारी नौकरी मायने रखती है। तो अल्टीमेट थिंग इज व्हाट, अल्टीमेट थिंग इज दैट कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सो अगर अभी भी आप क्लास 11th में इनरोल नहीं किए हो, क्लास 11th में आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी इनरोल नहीं करके चल जाएगा, तो बेटा ये गलती मत करो, क्लास 11th में इनरोल कर लो। बेटा यूज माय कोड S549 एंड यू विल गेट आर कोर्स इन 2000 ओनली। यार सक्षम बैच को ज्वाइन कर लो अगर अभी तक नहीं किया, साफ बोल रही हूँ, ज्यादा बार बार नहीं बोलूंगी, सीधा बोल रही हूँ, अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है गलत बात है। क्यों गलत बात है? बिकॉज इतने अमाउंट में तुम एक दिन में पिज्जा खाए आओगे जाकर, मुझको पता है तुम्हारा। और तुम ऐसा भी नहीं है कि अच्छा मैं बोल रही हूँ, अगर सच में किसी को सच में ऐसा लग रहा है कि मैम ये 2000 भी बहुत ज़्यादा है, बेटा अपने माँ बाप से पूछ कर देखो एक बार, सच बोल रही हूँ, अपने माँ बाप को बोलकर देखो, विश्वास दिलाकर देखो उनको कि मैं सच में मेहनत करने वाला हूँ, आप मेरे ऊपर इतना पैसा लगा दो, मैं इसके पीछे जीरो बढ़ा बढ़ा कर आपको वापस दे दूंगा, मम्मी पापा आप मेरे ऊपर इतना इन्वेस्ट कर दो एक बारी, मुझको पढ़ना है, तो बेटा माँ बाप भी मना नहीं करेंगे। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू #PKArmy एंड सक्षम बैच। इफ नॉट एनरोल येट बेटा S549 कोड लगाओ और सक्षम बैच में इनरोल कर लो। क्लास 11th को वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज क्लास 11th की जो इम्पोर्टेंस है वो अभी समझ में नहीं आएगी, जब टाइम बीत जाएगा तब समझ में आएगी। तो मैं बार बार आपको
#PKArmy आपको जागरूक करने आ रही हूँ। जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, जागो ग्राहक, जागो, सच में जाग जाओ। अगर अभी भी इस दौड़ में नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, बिकॉज बहुत लोग आपसे आगे निकलते जा रहे हैं। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस टॉक सेशन। बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।